नमस्कार दोस्तों, आज 19 अक्टूबर है 2021। अब मैं गिरजा देवी मंदिर से पंडित जितेंद्र पांडे लाइव बोल रहा हूं। आप देखिएगा मेरे सामने सामने गिरजा देवी मंदिर में कोसी नदी की जो भीषण बाढ़ इस समय आई हुई है, वैसे तो पूरे उत्तराखंड में है ये, और आज गिरजा देवी मंदिर के चारों तरफ देखिए कोसी नदी की बाढ़ का दृश्य देखिए आप। बहुत ही माता गिरिजा के चारों तरफ ये पानी फैला हुआ है। देखिएगा माता गिरिजा के चारों तरफ ये पानी फैला हुआ है। देखिए ऐसा विलक्षण भयंकर बहुत ही एक प्राकृतिक आपदा है। तो कई सिलेंडर हमने यहाँ पर देख लिए, कई घर यहाँ पर पहाड़ों में तबाह हो चुके होंगे, क्योंकि हमने 28 सिलेंडर मैंने खुद गिने हैं, 28 सिलेंडर मैंने बहते हुए देखे हैं, और यहाँ पर जितने भी गाय गौवंशी प्राणी थे सारे बह चुके हैं। जितने भी आप लोगों ने देखे होंगे गौवंश कोसी नदी में जो रात में रहता था वो सब यहाँ पर बह चुका है। जो दुकानदार हैं यहाँ पर के, एक भी दुकान आपको दिखी नहीं है। देखिए यहाँ कोई दुकान नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, एक गौवंशी जानवर उधर वो सामने दिखा हमें। देखिए वो सामने सफ़ेद वो मंदिर ये है भैरव जी का मंदिर, यहाँ पर एक गौवंशी जानवर है नादिया, एक सांड वहाँ पर अकेला दिख रहा है वो देखिए, ठीक है, एक सांड अकेला सांड एक ऊंचाई पर रह करके भैरव जी की कृपा से बचा हुआ है। इसके अलावा कोई भी जानवर यहाँ पर नहीं है। और गिरजा देवी मंदिर में माता रानी का विलक्षण चमत्कार भी है ये साथ साथ में। मंदिर अभी तक माता की कृपा से, माता का मंदिर अभी तक टिका हुआ है और पूरी मजबूती के साथ इन खबेड़ों को सह रहा है। देखिए आप इनको देखिए कितना दृश्य खतरनाक है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसा दृश्य 12 साल में करीब करीब एक बार हमको देखने को मिलता है। मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, यहाँ से 12 साल में ऐसा दृश्य मिलता है। 2010 की बाढ़ आई थी, 2013 की जो बाढ़ आई थी, और अभी 2021 लास्ट में देखिएगा कोसी नदी की बाढ़ में जो मंदिर का जो पुल है, पुल को पूरी तरह कवर किया हुआ है। चारों तरफ जितना सामान वगैरह था सब बह चुका है। और कई घरों का सामान, फ्रिज, कूलर, सिलेंडर, चारपाई और भी कई ड्रम, डब्बे, पानी के बर्तन हमने पहाड़ों से आते हुए देखे हैं यहाँ पर। और इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। तो मैं वापस लौट के आया हूँ। देखिएगा अभी सूचना मिली है 3 किलोमीटर ऊपर सुंदरखाल ग्राम में 15 लोग फंसे हुए हैं, तो हेलीकॉप्टर की डिमांड की गई है। शायद उधर एक हेलीकॉप्टर आएगा उनको रेस्क्यू करने। तो देखिएगा मोहित जी लाइट चल रहा है, आ जाओ आप। थोड़ा इधर पत्थरों के जाल थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे, ये वाला पोर्शन, ये वाला ये जगह, क्योंकि यहाँ पर एक लट्ठा होता था ये।